इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है एक चार्ज के आसपास, जहां पर कोई और चार्ज रखा जाए तो पहला चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक चार्ज है क्यू, और मैं ये बोलता हूं कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैंने कोई दूसरा चार्ज इसके बाहर रख दिया तो इसकी दूरी, इसका मतलब बहुत दूर है, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा, फोर्स जीरो है। लेकिन अगर मैंने यहां पे रख दिया इसके फील्ड में, तो ये चार्ज आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह है। ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में हो तो वहां पे अगर आपने कोई मास रख दिया तो अर्थ पे गिरेगा ही गिरेगा, और अगर आप पुल से बाहर निकल गए, फील्ड से बाहर निकल गए, तो अर्थ आपको खींच नहीं पाएगी। हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर चले गए। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्पेस है चार्ज के सराउंडिंग, जहां पर कोई और चार्ज रखा जाए तो पहला चार्ज उसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, फील्ड की वैल्यू। अगर हम ये देखें कि अगर अर्थ की बात करते हैं, अर्थ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के पास बहुत स्ट्रांग है। हम बोलते हैं अर्थ का फील्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कई किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 3,000, 5,000, 6,000, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होती है, फोर्स भी कम होती है, आपका फील्ड भी कम होता है। अब फील्ड एक ऐसी स्टेटमेंट है, वो तो जगह जगह कैसे कम हो जाएगी? फील्ड को मेजर किया जा सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को बोलना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ऐसी चार्ज के फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर किया जा सकता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जितना नजदीक होंगे इस चार्ज के, फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, दूर जाएंगे वो स्ट्रेंथ वीक होगी, और बहुत दूर चले जाएंगे स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी। स्ट्रेंथ वर्ड की जगह फिजिक्स वाले यूज करते हैं इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी याद करो, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो काम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसमें करता था, वो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें करेगा। तो ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि फील्ड को मेजर करने की ताकत, स्ट्रेंथ, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी आपको इन पॉइंट्स पे स्ट्रांग मिलेगी, दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम मिलेगी, और बाहर तो इंटेंसिटी बिल्कुल क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। हर पॉइंट पर स्ट्रेंथ चेंज होती है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ई की वैल्यू मेजर कैसे की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ई की वैल्यू मेजर करने का पहला तरीका, मेथड नंबर वन, पहला एक्चुअल तरीका। एक्चुअल तरीका है ई को, ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये समझ लें। ई डायरेक्शन होती है इसकी, ये एक वेक्टर है। ई की जो वैल्यू है वो इस तरीके से निकलती है, एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स नहीं है, फोर्स अपॉन चार्ज है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। मतलब इसके जो यूनिट होंगे वो न्यूटन पर कूलम होंगे, वो न्यूटन ही होंगे, वो न्यूटन पर कूलम होंगे। तो ई का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट है। अब ये क्यू नॉट क्या चीज है बताता हूं। मान लो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज का ये फील्ड है। आप क्वेश्चन तो इस फील्ड में करेंगे ना, स्ट्रेंथ निकालनी है। तो आप मान लो आर डिस्टेंस पे स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं कि यहां पे क्या स्ट्रेंथ होगी इस चार्ज की, यानी कि आप ई निकालना चाहते हैं। तो आप अपने मन में या मन से इमेजिन करें कि यहां पे एक चार्ज पड़ा हुआ है इमेजिनरी, जिसको क्यू नॉट बोलते हैं। इस क्यू नॉट का नाम है इमेजिनरी, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, अपने मन से यूज कर रहा हूं। इसका ना तो कोई फील्ड होगा, तो आप ये ना कहें कि इसका भी तो फील्ड होगा, वो भी निकाल ले ना, ये फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। इस चार्ज की वैल्यू इज वेरी 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 वेरी
स्मॉल, इस क्यू के मुकाबले ये अप्रोचिंग टू जीरो है, इतना छोटा चार्ज है कि हम क्यू का ही फील्ड कैलकुलेट करेंगे, क्यू नॉट फील्ड नहीं लगाएगा, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है यहाँ तक सेकेंड रूल। तो अगर मुझे यहाँ पे ई निकालना है इस पॉइंट पे, तो ई का फॉर्मूला एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट है मैग्नीट्यूड में। एफ की वैल्यू इन दोनों चार्ज में क्या रहेगी, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर को क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो टेस्ट चार्ज मैंने इंट्रोड्यूस तो किया पर साथ में वो कॉन्ट्रीब्यूट तो करेगा नहीं, तो फील्ड किसकी वजह से निकल रहा है, क्यू की वजह से, तो क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन ही होगा फाइनल आंसर में। जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा वो क्यू करेगा, वो क्यू नॉट निकलना चाहिए। तो आपने चेक किया क्यू नॉट उड़ गया, तो ये ई का फॉर्मूला है। अगर मैं कहूं कि क्यू चार्ज ने यहां पर क्या ई लगाया, तो ये स्टेप ना करें, सीधा फॉर्मूला बोल दें 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू नॉट तो जस्ट समझाने के लिए था कि पहले क्यू नॉट लो, फोर्स निकाल लो, फिर उस क्यू नॉट से डिवाइड करके क्यू नॉट कैंसिल करके ही आंसर आएगा। ये मेथड वन है, लेकिन कईयों को ये मेथड ना पसंद नहीं आता, वो कहते हैं बड़ी अजीब सी बात है, पहले क्यू नॉट लेके आते हैं फिर उसको काट देते हैं फिर कहते हैं देखो आंसर आ गया, तो क्यों लेके आ रहे हैं। तो उसकी जगह वो लोग ऐसा करें, मेथड नंबर टू फॉलो करें, जो मैं काफी जगह मैं तो यही फॉलो करता हूं, आपकी बुक्स भी यही फॉलो करती हैं। वो कहते हैं कि अगर क्यू चार्ज है और आपको आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, यहां पर ई निकालना है, आप क्यू नॉट ना लें, टेस्ट चार्ज लें लेकिन उसकी वैल्यू यूनिट पॉजिटिव लें, क्यू नॉट ले मत, बस वन ले लें, नेगेटिव ना लें, वन पॉजिटिव लें। अब ये बताएं कि ये क्यू चार्ज इसको कितनी फोर्स लगा रहा है, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बस यही ई है, बात खत्म। कौन क्यू नॉट ले फिर डिवाइड करे फिर काटेगा, कुछ मत करें, वन ले लें, और वन के ऊपर क्या फोर्स लगी, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, बस यही ई का फॉर्मूला है, बात खत्म। तो आज के बाद एक रूल बन गया, मुझे जिस जगह पे ई निकालना है मैं वहां पर चार्ज क्या लूंगा, प्लस वन। ये प्लस वन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है, और ये हमेशा प्लस वन ही रहेगा, ये माइनस वन नहीं करना, स्टैंडर्ड प्लस वन लेते हैं। तो ये ई का फॉर्मूला क्लियर है। ई की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है जैसे फोर्स की डायरेक्शन है, बिल्कुल वैसे ही चलता है। कैसे चलता है ये देखो, अगर आप अपनी असाइनमेंट देखें तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज, गिवन चार्ज कौन सा है इसमें क्यू, इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू अ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका सिंबल क्या है, ई वेक्टर। फिर मैंने शीट में क्या लिखा है, अगर यहां पर कोई क्यू चार्ज है और मुझे आर डिस्टेंस पे ई निकालना है, तो सबसे पहले मेथड नंबर वन मैं इमेजिन करूंगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, फिर मैं यहां पर ई निकाल लूंगा एफ अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, मैथ के लोग वेरी वेरी स्मॉल को कैसे लिखते हैं, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जीरो तो नहीं है पर बहुत ही छोटा है ऐसा लिखा जाता है, मींस क्यू नॉट इज अ पॉइंट चार्ज, ये कोई बॉडी नहीं है, इट इज अ इमेजिनरी टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन ई वेक्टर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा ये। इसमें यूनिट्स ई के न्यूटन नहीं है, एफ अपॉन क्यू है तो न्यूटन पर कूलम है, तो ये स्टेप भी क्लियर है। ठीक है यहां तक। तो मेथड वन में क्या सिखाया कि अगर क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस दूर मुझे ई निकालना है, तो मैं इमेजिनरी चार्ज क्यू नॉट लूंगा, एफ को क्यू नॉट से डिवाइड करूंगा, इन दोनों में एफ निकाल लूंगा, क्यू नॉट कैंसिल होगा, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। और मैंने लिख दिया ई वेक्टर इज ड्यू टू चार्ज क्यू एंड नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू नॉट, ई में ई किसकी वजह से है, क्यू की वजह से है, क्यू नॉट का ई में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज। ठीक है तक। तो क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, इमेजिनरी चार्ज है। मेथड टू सिखाया, अगर क्यू चार्ज है आर दूरी पे मुझे ई निकालना है, तो क्यू नॉट का चक्कर मत डालें, सीधा उठा के क्या करें, प्लस वन कर दें। तो प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस वन वेयर ई वेक्टर इज टू बी कैलकुलेटेड।
तो ई वेक्टर कैसे आएगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² इज आंसर। तो इसमें मैंने बता दिया डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से लगा के देखते हैं।